आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। क्या कुछ बात हुई जी? मैं ड्यूटी पर लग रही थी, काम करने लग रही थी जी, तो आया ही बोला तेरी चांदी की चुकती तेरी गुंठी लगा लाऊंगा। मैं बोली मां तू तेरी मैं कहला बू मका चला जा मेरे यहां। क्या था बोर्ड का दोबारा फिर जी सूट लेकर आया जी। फिर मैंने कहा मैं सूट मेरे पार कर आया था, कहा मां मेरे गले ऐसी ऐसा गलत बात करी ना। सुन चला अभी आ जाओ, हाथ खास लिखाओ जो आ जाता। फिर जी सूट ले आ तीन जी, बोला सी मैं आई भी दूंगा तेरी चुकती लाऊंगा जी, तेरे गुंठी लाऊंगा जी। तो मैं बोली मेरे कर्मचारियां तक पता मैंने जी मां से ऐसे करी दोबारा फेर यही करी जी ने मेरे दोबारा फेर दोबारा सूट लेकर आया जी। भाई तेरा फोन जानते हो आप इसको? नहीं मैं नहीं जानती जी इसको। कैसे क्या कुछ मामला था जी, थोड़ा सा बताओगे? तो ये सब भी यही काबू आंदे 10-15 वाल्मीकि मोहल्ले के पूरा मामला था क्या? देखो जी हमारी कर्मचारी और कर्मचारी ही नहीं दर्जनों महिला शराबियों की छेड़छाड़ का शिकार होती हैं दर्जनों जी। जितने भी सफीदों के अंदर पिछले 8 साल से SHO आए हैं जी, सभी की जानकारी में मामला है। लेकिन एक दो दिन के अंदर खाना पूर्ति करके और उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा मामला जी। इसमें जो मेन कारण है ना, रामसर पारक के पीछे जो अपना पीर है जी, जहाँ सैकड़ों जीव हत्या होती है जी, और पीर ना होकर मैं कहूँ नशे का जो है ना अड्डा, वो पीर बाबा जी अपने बन चुके हैं, जहाँ परोसी जाती है शराब प्रसाद के रूप में और पी पी कर बेवड़े वहाँ से लेकर शराब सीधे पार्क में आते हैं और वहाँ बैठ के पीते हैं। बिल्कुल महिलाएं हैं बच्चियां हैं उनके साथ फिर छेड़खानी की भी वारदात वो करते हैं। बिल्कुल करते हैं जी, हर रोज करीबन दर्जनों महिलाएं छेड़छाड़ की शिकार होती हैं। कोई दोपहर के समय में अगर शॉर्टकट रास्ता सड़क पर ना जाएगा पार्क में से जाना चाहे तो वो भी छेड़छाड़ का शिकार होती है और शिकायत करती है। कोई अमली जामा सो पिलाया नहीं जाता। पुलिस प्रशासन, क्या आपने अभी पुलिस कंफर्म किया है? हाँ जी मैंने फ़ोन किया था SHO साहब से, उन्होंने तुरंत अपने 2 कर्मचारी भेजे और मौके पर पकड़ के ले गए जी। और दर्जनों पार्क के अंदर अब भी मौजूद हैं जिनको होश आवास है ही नहीं। जब भी होश आवास आएगा हल्का फुल्का तभी सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ करेंगे वो महिलाओं से। तो मैं तो ना अपने कंचन टीवी के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, देखो ऐसा भगवान, सुनो मेरी बात, ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए जो करीबन सैकड़ों जान ले चुका हो शराब के कारण, जहाँ जहरीली शराब जीव हत्या, जब सीजन आ जाएगा यहीं सैकड़ों मतलब जीव हत्या सरेआम काटे जाएंगे। इस मामले को लेकर शहर के जो आम लोग हैं सामाजिक रोष है, आवाज भी उठाते हैं तो लेकिन दबा दी जाती है आवाज। इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए प्रशासन की ओर से या समाज की ओर से? प्रशासन को यहाँ PCR वगैरह भेज के गश्त करवा देनी चाहिए जी, और ये पूर्ण रूप से प्रशासन ने नशा जो है ये बंद कर देना चाहिए जी। और मैं तो हरियाणा आर्या समाज से जल्द ही मिलने जा रहा हूँ। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से कहीं फ्रॉड बाबाओं में जो शिकंजा कहा गया, आर्य समाज के मतलब से हरियाणा के अंदर पूरा बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा ताकि यहाँ जीव हत्या सामने पीर पे और शराब बंद हो और ये जो पाखंड की जो नगरी है ना ये बंद। बिल्कुल 12 बजे तो पहले तो काम हम जितना कर लेते हैं कर लेते हैं, 12 बजे तो बाद यहाँ लो फिर गंदगी इतनी हो जाती है कोई कहने की बात नहीं है। हम अपना काम छोड़ के हम अपना घर पे लंच टाइम चले जाते हैं, 2 बजे के बाद फिर थोड़ा काम हो जाता है। अरे आज अचानक या देख लो ऐसा हमारे साथ, आज इसके साथ है कल को मेरे साथ भी यही, और ऐसा कोई विश्वास थोड़ा रखेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कैसे कर्मचारी महिला हैं और वो काम करने में कितनी दिक्कत उनको आ रही है। कहते हैं कि यहाँ पर कोई पुरुष साथी नहीं होता तो उनको सुरक्षा की अपनी चिंता रहती है, और यहाँ पर पार्क में घूमने वाली जैसे छुट्टियाँ हैं सब महिलाएं बच्चे घूमने आते हैं यहाँ पर, तो वहाँ दिक्कत रह सकती है। तो प्रशासन से हम गुहार लगाएंगे इस ओर ध्यान दें, रामसर पार्क में जो ये गुंडागर्दी
हो रही है, दारू पी के यहाँ पर जो मस्ती हो रही है, जो शैतानियत हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए। और पार्क का क्या हाल है वो अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी कितने शराबी यहाँ पर हैं और किस तरह की उनकी हालत है। तो आए चलिए पार्क में। आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। क्यों लूंगी मैं सूट, मेरे बहू बैठा रही है, मैं पत्ता ले रही हूँ, जीत रही मेरा मेरा किस्मत मेरा है। आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज़।